नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली होने के बाद इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार राज्यसभा की इस एक सीट के लिए किस कैंडिडेट को आगे किया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर वो दावा पेश नहीं करेगी क्योंकि उनके पास बहुमत की कमी है। जहां आपको ये बता दें कि अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि राज्यसभा के इस एक सीट के चुनाव में हम अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे, तो वही सवाल या निशान ये खड़े होते हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी पेश करती हुई क्यों नजर नहीं आएंगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राज्यसभा की ये सीट जब रोहतक से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सांसद बन जाते हैं, इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत कहां गायब हो जाता है। वो कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो 45 के 45 विधायकों का बहुमत हम साबित करेंगे, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में बहुमत साबित करने से पीछे नजर आ रही है। और इस कवायद में देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में नजर आती है, इस स्थिति में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करती हुई नजर आई हैं, वही किरण चौधरी अब गले की फांस भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुकी हैं। क्या ऐसे में किरण चौधरी की ये मांग कि राज्यसभा की सीट उन्हें या उनकी बेटी को दी जाए, तो क्या ऐसे में अब भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इस पर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कि राज्यसभा का चुनाव है, एक सीट खाली है, कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में जो अभी शामिल हुई हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, क्या राज्यसभा सीट की मांग कर सकती हैं और क्या आगे दावेदारी पेश करती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो यह है नाजमीन कि अगर किरण चौधरी को राज्यसभा सीट दे भी दी जाती है तो क्या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े उनके तेवर जो अलग दिखाई पड़ते हैं, क्या वो इससे सहमत होंगे? और ऐसा अगर होता है तो आप ये मानकर चले कि बीजेपी खुद अपने पैरों पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी, क्योंकि आपने देखा कि जब चुनाव बीजेपी हारी 240 के आसपास सिमटी, बहुत सारे लोगों ने यही बात कही कि बीजेपी इसलिए चुनाव हारी कि बाहर के बहुत सारे लोगों पर इतना करम और अपनों पर इतना सितम, तो ये स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। वैसे में बीजेपी के लिए मुश्किल बात यह है कि वो यहां जाए या वहां जाए, किस तरफ वो फैसला करती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी के पास जितने भी बड़े नेताओं के आपको नाम नजर आते होंगे वो कांग्रेस पार्टी से आए हुए होंगे। इस समय अगर मौजूदा की बात करें तो ये लगातार बीजेपी के लिए मुश्किल होती चली जा रही। जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात करती थी, वही बीजेपी आज कांग्रेस युक्त नजर आती है। आप बड़े बड़े चेहरे देखेंगे तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स उनके साथ में नजर आते हैं। यहां पर अगर किरण चौधरी को राज्यसभा का टिकट मिलता है तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए मुश्किल यहां पर खड़ी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इससे अनिल विज और राव इंद्रजीत जैसे जो बड़े लीडर्स हैं ये खफा हो सकते हैं। किरण चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में आई है तो किसी मांग के साथ ही आई होंगी। मांग विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की इस एक सीट पर अपने आप को आगे करना है, सांसद बनना है। अब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी या फिर किरण चौधरी सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस दफ्तर के बाहर विधायकों की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि किरण चौधरी ने अपनी मुश्किलें खुद ही खड़ी की हैं और किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं मिलने वाला। आप देखना होगा कि क्या किरण चौधरी का फैसला सही है या फिर गलत। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।